ये पांच चीज़ें हैं पांच बातें आपको भूल कर भी किसी को नहीं बताना चाहिए और लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेलकम बैक दोस्तों हंड्रेड डेज कम्युनिकेशन चैलेंज के तीसवें दिन में आपका स्वागत है नंबर वन डीप सीक्रेट्स अपनी रास की बातें आपको भूल कर भी किसी को नहीं बताना चाहिए सोचो अपनी रास की बातें आप खुद राज नहीं रख सकते तो फिर दूसरे लोग कैसे रखेंगे तो दोस्तों भूल से भी ये गलती कभी मत करना कि अपनी रास की बातें लोगों को बता देना एक कहावत भी है कि भूल कर भी अपनी रास की बातें अपने दोस्त को मत बताना क्योंकि हो सकता है कि वो कल चल के आपका दुश्मन हो जाए तो अपनी रास की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए नंबर दूसरा पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ अपनी खामियाँ अपनी कमज़ोरियाँ अपनी वीकनेस किसी को भी भूल कर नहीं बताना चाहिए हो सकता है कल चलकर वही आपकी कमज़ोरी को फ़ायदा उठाकर वो आपको नुकसान पहुंचा दे आपका घाटा कर दे आपको डैमेज कर सकता है आपको बर्बाद कर सकता है उन कमज़ोरियों को आपकी उन खामियों को लेकर के सो डोंट एवर टेल योर इनसेरिटीज़ नंबर तीसरा यूज़लेस एडवाइस यू नो हमारा जो इंडिया है हमारा जो देश है इस देश में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे एडवाइस देने वाले जो आपको सो कोल्ड बहुत सारे एडवाइस देंगे बट यू नो वाट हमें उन फील्ड की उन सब्जेक्ट की एडवाइस दूसरों को नहीं देना चाहिए जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता अगर हमें खुद पता हो तभी आप एडवाइस दें अगर आपको नहीं पता तो आप एडवाइस बिल्कुल भी मत दें इससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है किसी का करियर बर्बाद हो सकता है किसी की लाइफ ख़त्म हो सकती है तो प्लीज़ यह बड़ी गलती कभी मत करें नंबर चौथा क्रिटिसाइजिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अपने दोस्त की गलतियाँ अपने फैमिली की गलतियाँ अपने परिवारों की गलतियाँ दूसरों के पास जाकर कभी मत बताइए और आपको अगर आपकी फ़ैमिली ने आपके दोस्त ने आपका दुल दिखाया है आपके साथ कुछ बुरा किया है तो आप उनके साथ बात करके उनसे सॉर्ट आउट कर लीजिए बट किसी और को मत बताइए ये बहुत ये जो बहुत बड़ी ब्लंडर है जो लोग अक्सर कर देते हैं अपनी फैमिली की बातें अपने दोस्त की बातें दूसरे को जाकर बताते हैं बुराइयाँ करते हैं वो आदमी आपको लड़वा सकता है आपको अलग कर सकता है अपने दोस्त से आपके परिवार से सो so प्लीज़ कभी भी आप ये गलती मत करें कि अपने दोस्त की बुराई अपने परिवार वालों की बुराई दूसरे के बाद जाकर करें आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको जो भी टेंशन है आप खुद बैठ कर सुलझा लें दूसरे को मत बताएं और नंबर पाँचवा और सबसे इंपॉर्टेंट नेवर विक्टिमाइज योर सेल्फ नो हम लोग अक्सर अपनी बुराइयाँ अपनी कमज़ोरियाँ अपनी गलतियाँ अपने आप को बुरा बताते हैं लोगों के सामने जाकर के यह सबसे बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं कि मैं बुरा हूँ मैं ऐसा करता हूँ मैं वैसा करता हूँ नो you know, महान फिल्म एक्टर ब्रूस ली और फिलोसोफर ब्रूस ली कहते हैं कि अपने बारे में भूल से भी कोई गलत बात मत बोलो कोई नेगेटिव बात मत बोलो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि कौन सी अच्छी बात है और कौन सी बुरी बात है सो गलती से भी अपने आप को विक्टिमाइज़ मत करो और दूसरे के सामने जाकर मत बोलो अपने बारे में गलत बात कभी मत बोलो यह आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है क्योंकि जब आप कोई भी बात बोलते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात बुरी है तो आप बार बार अपने आप को विक्टिमाइज़ करोगे लोगों के सामने जाकर अपनी खामियाँ बोलोगे अपनी बुराइयाँ बोलोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेगा और आप फिर लाइफ में वैसा ही करते रहोगे वैसा ही एक्ट करते रहोगे तो प्लीज़ ये गलती कभी मत करें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच